कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए राजगढ़ जिले के कुजनेर निवासी मनीष विश्वकर्मा का पार्थिव शरीर का आज अंतिम संस्कार किया गया। कुजनेर में भारी संख्या में मौजूद सभी ने पुष्प वर्षा के साथ शहीद मनीष विश्वकर्मा को नमन किया। मनीष विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार उनके गाँव कुजनेर सम्मान के साथ किया जा रहा। कुजनेर गाँव के वीर जवान मनीष फौजी के अंतिम संस्कार रैली में से आसपास गाँव की जनता पहुँच जनता का जन सैलाब देखने को मिला। वहां पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। शहीद मनीष विश्वकर्मा की शहादत में हजारों लोग पशुओं से मोटरसाइकिल रैली के साथ कुछ नियत तक आए। लगभग राजगढ़ जिले के हर तहसील हर कस्बे हर गांव के लोग आए। लगभग 30,000 से ऊपर लोग थे। कुजनेर में पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा था। कुजनेर में मैं खुद खबर लेने के लिए मुझे तोस्तानी जूना जोड़ जाना पड़ा। मेरे हिसाब से जिले में पहली शव यात्रा थी जिसमें हजारों लोग एक साथ शामिल हुए। सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। कुजनेर में सुबह से ही लोग आ गए। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने स्वर्गीय शहीद मनीष विश्वकर्मा के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किया। माँ भारती के वीर सपूत समेत मनीष विश्वकर्मा पर सभी को गर्व है। सारंगपुर से तहसील रिपोर्टर धीरज पुष्पत की रिपोर्ट। मनीष के चरणों में मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। हमारे वीर शहीद मनीष कश्मीर के बारामूला में जब ये पता चला कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं तो संयुक्त टीम ने सेना की सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। हमारी सेना की संयुक्त टीम ने उसका जवाब दिया लेकिन उसी दौरान वीर मनीष घायल हो गए। लड़ते लड़ते और अस्पताल में जाके उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माता के चरणों में देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गर्व है उनको खुजनेर को उन पर गर्व है। मध्य प्रदेश को उन पर गर्व है। माँ भारती को उन पर गर्व है। अभी पिछले साल ही दिसंबर 2019 में उनका विवाह हुआ था और बेटी के हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी। मनीष चले गए, अपना सब कुछ देश के लिए लुटा गए। मैं उनके पिता सिद्धनाथ, माताजी जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। पर गर्व है इस परिवार पर क्योंकि मनीष के भाई हरीश भी सेना में ही है और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे माता पिता को प्रणाम। और बिटिया जो जिनका उनसे विवाह हुआ था अब केवल एक परिवार की नहीं पूरे देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद ही जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि। अच्छा, उनको परिवार को दी।